फ्रेंड्स नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गर्ग, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑर्थोस्कोपिक सर्जन मेरठ से आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं जो कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा कॉमनली लगभग हर घर में मिलता है। उसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, या यदि उसका स्केल कम है तो उसको ऑस्टियोपीनिया भी कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए सभी लोगों को ये एक कन्फ्यूज़न रहता है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी है, हम तो कैल्शियम खा रहे हैं, ये ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रही है। परंतु यह गलत है। इसका सही रूप है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि यदि बोन सेल्स बोन्स में कम हो जाती हैं तो बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे कि हम यदि किसी दीवार का निर्माण कर रहे हैं उसमें हम ईंट सीमेंट और बालू का यूज़ करते हैं, जो ईंट यदि हम इस दीवार में से कम कर दें तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ना कि कैल्शियम डेफिशिएंसी। फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी आपको एक ईंट की एग्जांपल दी थी, इसी तरह से ये बोन मॉडल की एग्जांपल है। इसमें यदि आप देखें तो ये नॉर्मल बोन्स हैं, इसके अंदर ये आप जो बीच में वॉल्स देख रहे हैं ये वॉल्स हैं जिसमें कि बोन्स की ईंट भरी हुई हैं। परंतु यदि आप इसको देखें जिस पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो चुकी है उसमें देखें कि वॉल्स कितनी कमज़ोर हो गई हैं और सब बीच बीच में से गायब हो गई हैं। इस तरह से बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इसके जो मुख्य कारण हैं, सर्वप्रथम एज है। जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है, पुरुष और महिलाओं में दोनों में ही मिलता है। महिलाओं में मीनोपॉज के बाद, और जिन महिलाओं का मीनोपॉज पहले हो जाता है यूट्रस निकलने की वजह से या किसी अन्य बीमारी की वजह से, उनका ये पहले हो जाता है। परंतु पुरुषों में भी 60 या 65 वर्ष की बाद में ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। यह बीमारी महिलाओं में ज़्यादा मिलती है, पुरुष में कम मिलती है। इसके अन्य और भी कारण हैं। सबसे पहला कारण तो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा कारण है कि हम लोगों की बॉडी की एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। हम सारा फिजिकल गैजेट्स पे डिपेंड करने लगे हैं, संसाधन समाप्त हो गए हैं और हमारे शरीर की कार्य प्रणाली बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी जन्म लेती है। या हम लोग बहुत ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हों या कोई अन्य खून से रिलेटेड बीमारी हो। अब इसका उपचार क्या है, और मैं फिर साथ में ये बताना चाहूँगा यदि हम उपचार नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होता है। इसका उपचार डिपेंड करता है, ऑस्टियोपोरोसिस का हम ग्रेड निकालते हैं, वह ग्रेड हमारा -1.0 तक नॉर्मल होता है। परंतु इससे ज़्यादा यदि खराब होता है तो जेड स्कोर और टी स्कोर निकालते हैं। उसके बाद में या तो हम दवाओं से इलाज कर सकते हैं या कुछ इंजेक्शंस लगते हैं, जो कि साल में एक बार लगता है, कुछ इंजेक्शन डेली लगते हैं, कुछ 6 महीने में एक बार लगता है। परंतु जिसको ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है उसको दो बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज कराना है और इसके साथ साथ उस कारण का भी निवारण करना है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हुई। यदि उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो उनको एक्सरसाइज या कुछ इस तरह की कार्यप्रणाली बना लीजिए जिसमें कि वो बाहरी काम कर सकें। दूसरा, यदि हम नहीं कराते हैं तो क्या नुकसान है। इससे बोन की डेंसिटी कम हो जाती है और बोन की डेंसिटी कम होने से फ्रैक्चर रिस्क बढ़ जाता है। फ्रैक्चर रिस्क क्या है, यदि हम चल रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं और हमको कोई किसी प्रकार की चोट नहीं लगती, इंजरी नहीं होती है, उसके बाद भी यदि हमारा फ्रैक्चर हो जाता है उसको हम फ्रैक्चर रिस्क कहते हैं। हमारे WHO ने भी ऑस्टियोपोरोसिस ईयर, ऑस्टियोपोरोसिस डिकेड सेलिब्रेट किया है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप अपनी बोन्स का ध्यान रखें और यदि आप ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं तो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज या घर के सारे वो काम जिसमें मेहनत होती है उन सबको बरार रखिए। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद।